दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने आज सातवें एपिसोड में, इसका नाम है LOL लर्निंग ऑफ लॉकडाउन। आप लोग का इतना प्यार मिला है इन छह दिनों में, इतने सारे मैसेजेज आए हैं, इतने सारे लाइक शेयरिंग, फिगर हैज गॉन टू अबाउट 17,000। आई एम रियली थ्रिल्ड अबाउट इट। सो आप लोगों का प्यार देख के मुझे एक पुराना गाना याद आ गया है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, और ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये लाइनें मेरे दिमाग में आई। मैं सुबह आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े मार्केटिंग कोच हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, मिस्टर सेठ गोडिन, तो बता रहे थे कि अभी जेन सी जो है, जनरेटर जनरेशन सी, सो जनरेशन सी के बारे में बता रहे थे। वो टॉपिक तो बहुत लंबा था, लेकिन उन्होंने जो बताया उसमें जो मुझे समझ आया कि हम लोग अक्सर कुछ परमानेंट सॉल्यूशन लाइफ में ढूंढते हैं, जबकि परमानेंट लाइफ में कुछ भी नहीं होता, हर कुछ टेम्परेरी होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो पहले हम सोचते हैं कि लोगों को बाहर सोचेंगे, बाहर भेजेंगे, बाहर जाएंगे, और अभी सब लोग क्या सोच रहे हैं कि सब लोग घर पे पहुंच जाएं। तो वक्त का पता नहीं होता, वक्त बदलता रहता है। और आज एक व्यक्ति ने मेरे पास एक शेर भेजा था, मैं हर रात अपनी सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूँ, मैं हर रात अपनी सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूँ, हैरत की बात है कि ये सुबह मुझसे पहले जाग जाती है। सो चीजें बदलती रहती हैं, चीजें आती रहेंगी, चीजें जाती रहेंगी, और हमें ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। और उस हम कहाँ खड़े होने में, मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था, वेयर डू वी सिट डिपेंड्स ऑन वेयर डू वी स्टैंड। तो हम कहाँ पे स्टैंड लेते हैं, और ये बात शुरू होती है हमारे थॉट से, हमारे थॉट प्रोसेस से। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या सोचते हैं, हम किस जगह से गुजरे हैं, वगैरह वगैरह। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका नाम है सत्यवीर सैनी, बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, शरद मित्तल नोएडा से, ललित अरोड़ा देख रहे हैं, बहुत बड़े इंटरनेशनल स्पीकर हैं, कमल त्यागी नोएडा से। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो जितने बिल्डर डेवलपर्स हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान कमल त्यागी के पास है। उसके बाद सोनिका गौतम, ललित अरोड़ा और हनी जुड़े हैं मसूरी से, मनीष उपाध्याय जयपुर से। मैं बीच बीच में नाम लेता रहूंगा, अभी कहानी सुना रहा हूं, नाम को हम बाद में देखेंगे। फिर अभी योगेश खन्ना जुड़े हैं, योगेश खन्ना जी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, योगेश खन्ना जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, खासकर इस वक्त में, व्हेन इट इज नॉट कोरोना इट्स फिनोमिना। तो योगेश खन्ना जी के बारे में आपको बताऊंगा। आनंद ढल जुड़े हैं अभी भी, वैभव निगम गुड़गांव से जुड़े हैं। तो दोस्तों कहानी की बात कर रहे थे, एक बार गांव में एक सूखा पड़ा, और जब वो सूखा पड़ा तो सब लोगों ने पूरी कोशिश की, इंतजार किया, लेकिन सबने हिम्मत हार ली, और हिम्मत हारने के बाद मौसम विभाग से पता किया, और मौसम विभाग ने भी बोला कि अभी सूखा रहेगा। तो सब लोग कंफर्ट जोन में चले गए, और कोई ताश खेल रहा है, कोई सो रहा है, कोई किसी को कोस रहा है, किसी के नसीब को कोस रहा है, कोई भगवान के बारे में कुछ कह रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन पूरे गांव में एक किसान था जो डेली यानी कि प्रतिदिन हल लेकर खेत पे चला जाता था, चाहे वो एक इंच ही हल चलाए, एक इंच ही हल से मिट्टी खिसका पाए, लेकिन वो डेली ऐसे करता था। लोग उस पर हंसते थे कि जी बेवकूफ आदमी है, मौसम विभाग ने बता दिया, सब लोग आराम से बैठे हैं, मस्ती करे, अपना हल चला रहे, जबरदस्ती हल चल नहीं रहा है और फिर भी चला जाता है। तो वो चला जाता था लोगों की बात को नजरअंदाज करके। तो एक बार बोध कथाएं जो ये होती हैं, ये समझाने के लिए होती हैं, सीखने के लिए होती हैं। तो जब वो हल चला रहा होता है तो ऊपर से शिव और पार्वती आसमान से जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, इसको पता है सूखा है और फिर भी हल चला रहा है। तो पार्वती बोली कुछ करो इसके लिए, बोला पहले चेक करते हैं ये कहानी क्या है। तो ये शिव जी एक वृद्ध व्यक्ति का रूप लेकर उस किसान के सामने पहुंचे, बोला भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है सूखा पड़ गया है, और तुम लगे हो अपना हल लेकर, सब लोग आराम कर रहे हैं और तुम खामखा परेशान हो रहे हो, इतनी समझ तो आपको होनी ही चाहिए, मौसम विभाग ने मना कर दिया तो भी आप लगे हो। तो इस किसान ने वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम करके बोला कि आप एक बात समझ लीजिए कि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं इसे कुछ उपजा लूंगा, मुझे पता है कि सूखा पड़ा हुआ है, मौसम विभाग ने मना कर दिया है, लेकिन अगर मैं डेली आता रहूंगा तो एक तो मेरा शरीर ठीक बना रहेगा, मेरी आदत खराब नहीं होगी, मेरा हल बराबर ठीक से चलता रहेगा, मैं हल साइड में रख के बैठ जाऊं मेरी आदतें खराब हो जाएं,
हल भी कहीं से ऐसे हो जाएगा जैसे इसको काम करने की आदत नहीं रही, इसके जो छोटे छोटे पुर्जे हैं जहां ये चलता है उसकी आदतें भी खराब हो गई, और इन सबसे ऊपर मैं अपना कर्म कर रहा हूं, भगवान की मर्जी है, सूखा पड़ेगा, बारिश होगी, क्या होगी, वो अपना कर्म जाने और मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं अपना कर्म कैसे छोड़ सकता हूं। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोले कि जैसी आपकी इच्छा। वो ऊपर आए, पार्वती को बताया कि ये अजीब आदमी है, ऐसी काली बातें कर रहा है। तो पार्वती जी बोली उनसे कि प्रभु एक बात सुनो, वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म कब करोगे? आपका भी तो कुछ कर्म है, कितना विश्वास है उसको आपके बारे में कि प्रभु अपना कर्म कर रहे हैं और मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो पार्वती के कहने पर शिव जी बोले कि ठीक है, सिर्फ इसके खेत पर ही बारिश करेंगे, और उसे खेत पर बारिश हुई और वो अपना काम कर पाया। बात है, कहानी से हमने क्या सीखा कि कुछ भी हालत हो जाए, मैं फिर बार बार कहूंगा, लूथर मार्टिन के कहते हैं उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, उड़ नहीं सकते भागें, भाग नहीं सकते चलें, चल नहीं सकते रहेंगे, हम जहां भी हैं जिस भी स्थिति में वहां पर जो भी कर सकते हैं करते रहें, लेकिन इधर उधर ये देखने से बोलने से कुछ नहीं होगा कि कैसे हुआ कब हुआ, ब्लेम गेम में ना जाए। मैंने बताया था ना आपको, योर डे शुड नॉट गो विद डिफॉल्ट सिस्टम, कि डिफॉल्ट के साथ जा रहे हैं, गो विद डिजाइन। तो ये कहानी थी, थोड़ा सा शेयर की आपके साथ, मुझे अच्छा लगा ये कहानी, आपको मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अभी तक कौन लोग जुड़े हैं मैं थोड़ा बताता हूं। प्रदीप भदूरिया, आनंद ढल तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। पुष्कर सिंह जुड़े हैं ईस्ट दिल्ली से, सुकेश चंद जैन बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और वो जुड़े हैं, सत्येंद्र श्रीवास्तव डेली जुड़ते हैं, और सुरजीव कुमार, सुरजीव चौधरी, ये एक ऐसे फोटोग्राफर हैं कि ये मुर्दे में भी जान डाल दें। मनप्रीत सिंह ओबराय जुड़े हैं, सन्नी शर्मा जुड़े हैं अभी, आनंद ढल पहले जुड़ चुके थे, वैभव निगम, योगेश खन्ना के बारे में बात कर रहा था। तो योगेश खन्ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये ऐसी चीजें आपको बताएंगे कि आपकी टीम अगर कोई काम 5 घंटे में करती है 15 मिनट में कैसे हो सकता है, कोई काम ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है, आपके सिस्टम ऑटोमेशन में कैसे चलेंगे, ये कोरोना दोबारा आ जाए तो क्या होगा, और इसके लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं 5 तारीख को संडे को। जिन लोगों को ये सीखना है कि 5 घंटे का काम मैं 5 मिनट में या 15 मिनट में कैसे कर सकता हूं, मेरी टीम कैसे कर सकती है, तो वो सीखने के लिए वर्कशॉप कर सकते हैं। किसी को ज्वाइन करनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। योगेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी हम आगे चलते हैं। तानिया मलिक जुड़ी हैं, रेवाड़ी से रोजाना आती हैं। कामेश्वर गुंबर बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े कवि हैं, गायक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आप जब भी इनका प्रोग्राम होता जरूर सुने। ये खैरुल इस्लाम जुड़े हैं, इस्लाम खैरुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आज की तारीख में चल क्या रहा है, लोग सोच रहे हैं कि भैया कल क्या होगा, अभी लॉकडाउन तो ठीक है लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या होगा, उसको सोचकर ही परेशान हो रहे हैं। तो जैसा कि मैं रोज आपको थेरेपी देता हूं, एक थेरेपी शुरू करते हैं और उस थेरेपी में आप देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद क्या हो सकता है, जस्ट एंजॉय। तो आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हो सके तो अपनी कमर सीधी कर लें और अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आईज एंड बी विद योर ब्रेथ, अपने सांस के साथ रहें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को महसूस करें, अपने सांस को सोचें। लेट योर थॉट्स कम एंड गो, बी विद योर ब्रेथ, लेट इट बी नेचुरल। सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, सांस को महसूस करें अपने नथुनों में जाते हुए। बी विद योर सेल्फ, आप विजुलाइज करें, अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन ए फ्लाइट, यू आर सिटिंग इन ए फ्लाइट, यू आर एंजॉइंग द फ्लाइट, फ्लाइट जा रही है श्रीनगर की तरफ, श्रीनगर में आपका प्लेन लैंड कर रहा है, एंड यू आर एंजॉइंग दिस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आप बाहर निकलकर एक कैब से होटल की तरफ जा रहे हैं, और एक 5-स्टार होटल में एक इवेंट में 1 हफ्ते का प्रोग्राम है जिसमें आप आमंत्रित हैं। वहां पर आपके सभी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स भी हैं,
और आप उस इवेंट को एंजॉय करने के लिए होटल में पहुंच गए। आपका बहुत अपने घर जैसा कमरा वहां पर बुक किया गया है। आप अपने कमरे में पहुंच गए हैं और अब आप चेंज कर रिलैक्स कर रहे हैं। अब आपका पहला दिन शुरू होता है सुबह नाश्ते से, घर के जैसा बना हुआ खाना, फिर कुछ प्रोग्राम नाचने गाने का, उसके बाद फिर लंच, फिर कुछ आराम, फिर शाम की चाय आपके कमरे के बाहर बालकनी में, और उसके बाद रात को एक फिल्म स्क्रीनिंग सब लोग साथ कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं लगा कि दिन कैसे बीत गया, अब थक गए हैं और अब सोना चाह रहे हैं। और इसी तरह से पूरे 6 दिन पता नहीं लगे कि होटल में कैसे बीत गए। और रात को आपको एक 6ठे दिन फोन आया कि सर कल कितने बजे चेकआउट करेंगे, और सुबह आप टैक्सी में बैठे और फिर हवाई जहाज की तरफ आप अपनी सीट पर वापस आ गए। हवाई जहाज में दिल्ली की तरफ जा रहा है, एंड यू आर मिसिंग दोज मेमोरीज व्हेन यू आर इन होटल, हैविंग द फूड्स लाइक कुक्ड एट योर होम विद योर ओन हैंड्स और विद द हैंड्स ऑफ योर लवली लेडी और वाइफ और मदर और सिस्टर हूसोएवर कुक्स फूड एट होम। नाउ यू लैंडिंग इन दिल्ली, टेकिंग ए कैब गोइंग टू होम, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि यार 6 दिन कितने अच्छे बीते वहां पर, एकदम होटल के अंदर, कहीं बाहर नहीं गए, खूब मस्ती की, खूब खाना खाया, खूब बातचीत की, खूब फिल्में देखी, कल से फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, काश कि एक दिन और बढ़ जाता होटल में। फिर आपने अपने आप से बात की, आखिर बिजनेस है, जाना तो पड़ेगा ही, अपने मन को तैयार किया और आप इस तरह तैयार हुए जैसे कि मानो आपका नया बिजनेस शुरू होने वाला है। नाउ यू आर चार्ज्ड अप फॉर योर नेक्स्ट डे ऑफिस ज्वाइनिंग। बी विद योर ब्रेथ, अपने सांस के साथ रहें, अपने सांस को महसूस करें, आंखें बंद रखे अपने दोनों हाथों को उठाएं और हथेलियों को रगड़ें, इतनी तेजी से रगड़ें कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं, और उन गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर रखें, और जो प्लीजेंट जर्नी आपकी थी, जो आपने भी एंजॉय की, उसकी मेमोरीज को दोबारा याद करें, उन सीन्स को दोबारा याद करें, और धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और हाथ नीचे ला सकते हैं। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड दिस जर्नी विद योर ब्रेथ, विद दिस गाइडेड मेडिटेशन, एंड यू हैड ए नाइस एक्सपीरियंस। अब आप सोचिए, जो इस जर्नी में हुआ वही आपके साथ अभी हो रहा है, आप घर पे हैं, जस्ट एंजॉय। गॉड हैज गिवन ए पीरियड, यू यूज टू ड्रीम व्हेन आई वुड स्टे विद माय फैमिली, आई एम नॉट गेटिंग टाइम, यूज टू ब्लेम एवरीथिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग टाइम, नाउ यू आर गेटिंग टाइम, यू एंजॉय दैट। और जब खुलेगा तो उसके बाद पूरी ताकत के साथ आप फिर अपने काम पे चले जाएंगे। छुट्टियों से आते हैं, आज मैं अपनी टीम से बात कर रहा था जूम मीटिंग में, तो उनसे बात कर रहा था कि इन छुट्टियों में या तो लोग लथार्जिक हो जाएंगे या शार्प हो जाएंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आप यकीन मानिए, मेरा दिन सुबह से और शाम तक पता नहीं लगता एक मिनट भी कि कहां चला गया। इट हैज बीन एज हेक्टिक एज यूजुअल, एज शेड्यूल्ड आई हैड 3 कॉन कॉल्स, 3 जूम मीटिंग्स टुडे, एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आफ्टर दैट आई वुड वॉच ए मूवी विद माई फैमिली। So you can create your life. Okay. So अब तक आप ट्यून्ड हो गए होंगे कुछ चीजों के लिए, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, थोड़ी रोचक भी होती हैं और सही भी हैं। अब तक आप इन बातों के लिए ट्यून्ड हो गए होंगे, जैसे आपको पता है कि मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, उससे आपका आराम से काम चल सकता है। आपको क्या नहीं करना होता है आपको वही पता लग गया है। आपको ये पता लग गया है कि बहुत थोड़े से काम चल सकता है। आपको ये भी पता लग गया है कि आप बिना पार्लर के, बिना सैलून के, बिना जंक फूड के, बिना पिज्जा के भी जिंदा रह सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा, ह्यूमंस आर इन हाउस एंड एनिमल्स आर इन स्ट्रीट, व्हाट ए कोइंसिडेंस। और उसके बाद आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि हमारी जिंदगी में हम कितना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, छोटी छोटी बात के लिए। शुक्र है कि दूध मिल रहा है, शुक्र है कि खाना मिल रहा है, और एक बहुत बड़ी बात
जो अरुण गोविल जी ने राम का रोल प्ले किया है रामायण में, वो खुद आज अपनी फैमिली में अपनी जेनरेशन के साथ, मतलब बच्चों के साथ, नेक्स्ट जेनरेशन के साथ उस रामायण को देख रहे हैं। तो इसलिए हर घर में अभी छोटे और बड़े देखकर, छोटे और बड़े बैठकर उस रामायण को देख रहे हैं जो 25 साल पहले आया था। व्हाट ए कोइंसिडेंट, आई कैन विजुलाइज एंड यू कैन विजुलाइज। तो आपको मैं एक छोटी सी पोयम सुनाता हूं, ये मैंने नहीं लिखी है, ये मैंने कहीं से ली है, और आप इस पोयम को सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जस्ट ए मिनट, लेट मी गिव दिस पोयम टू यू, बिकॉज दिस म्यूजिक इज वर्किंग वेरी वेल इन द बैकग्राउंड। सो ये मैं पोयम सुनाता हूं आपको। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नियामत है, उसे संभाल के रखो दोस्तों, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। आखिरी की दो लाइनें, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। तो आप दोस्तों अपना समय अपने से अच्छे से बिता सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, जो भी मुझे आता है, जो भी मेरी अवेयरनेस है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लोगों का प्यार मिल रहा है। अगर आपको कभी आपका घर छोटा लगे कि मेरा घर छोटा है, तो अपने घर में सुबह और शाम दो बार पोछा लगाने लगा तो आपको विदा लगने लगेगा कोई। तो दूसरी बात एक है कि आप वीडियो कम से कम शेयर करें, ज्यादा वीडियो शेयर ना करें। पिछले एक वीडियो आया था जिसमें कैटरीना कैफ बर्तन मांजते हुए दिखाई थी कि आपकी अगर मेड ना आए तो मैं भी घर में बर्तन मांज रही हूं। तो कुछ लोगों ने बोला है, जेंट्स लोगों ने, कि मीडिया बहुत बिकाऊ है, हम साला 30-30, 40-40 बर्तन डेली मांज रहे हैं और हमारा कोई खबर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। तो आप वीडियो कम से कम शेयर करें, जितना जरूरी हो उतना शेयर करें। अभी हम आते हैं बिगडम बैश पे। मैं रोजाना बताता हूं कि बड़े लोग क्या करते हैं, क्योंकि हर एक के दिमाग में होता है कि वो तो बड़े लोग हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, हमारा तो मुश्किल है। तो ये बड़े लोगों का एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है, दे से नो वेरी स्मार्टली, जो कि आम आदमी नहीं कह पाता। हमें बचपन से बताया कि ना नहीं करनी चाहिए, ना करना अच्छा नहीं होता, और वो लोग बड़े प्यार से, मोहब्बत से आपको ना कर देते हैं। जैसे काफी लोगों से पूछो कि क्या हम कल सुबह मिल सकते हैं, ओ सॉरी डार्लिंग, आई एम रियली स्टक्ड अप, आई एम शेड्यूल्ड, कैन वी कॉल यू टुमारो। इफ यू कॉल देम टुमारो दे विल टेल समथिंग एल्स, अंटिल अनलेस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे विल नॉट गिव यू द टाइम, एंड आफ्टर सो मच फॉलो अप इफ दे गिव यू अ टाइम से 5 मिनट्स, दे विल नॉट गिव यू 6 मिनट्स। सो दे नो विल डिस्कस सम टाइम द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑल्सो, बट दे नो, दे से नो वेरी स्मार्टली। आप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से देखा है कि जब भी आप कोई नो कहना चाहते हैं, ना कहना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ना बोलना है। अगर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, जरूर कीजिए। किसी के साथ आपका प्यार है, मन है, अब आप करना चाहते हैं, कीजिए। लेकिन आपको बाद में ये अफसोस ना हो कि यार मैं ना नहीं कर पाया। तो जब ना नहीं कर पाते हैं, तो पहले मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मैं घर से नाश्ता करके गया, अब मैं आपके घर आ गया, आप बोले सर नाश्ता बन रहा है थोड़ा सा खा लीजिए, तो अभी काफी लोग क्या बोलेंगे, एक दो बार बना के, नहीं थोड़ा सा खा लीजिए, बहुत टेस्टी है, देसी घी का बनाया है, माताजी ने बनाया है, हमारे घर में कभी कभी बनता है, तो अक्सर लोग खा लेंगे। तो मेरे को अगर वो बोलेंगे तो मैंने बोलूंगा कि मैं घर से नाश्ता करके आया हूं सर, और अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो मुझे उल्टी हो सकती है, तो क्या आप पसंद करेंगे कि मैं हॉस्पिटल जाऊं। कह नहीं सर कोई बात नहीं। सो यू हैव टू एक्सप्रेस ओरिजिनली ट्रूथफुल्ली दैट व्हाट आर यू फेसिंग। जैसे अगर मैंने कहीं से लोन लिए हुए हैं और कोई मुझसे पैसा मांग रहा है और मैं पैसा देने की स्थिति में नहीं हूं, आई कैन टेल देम डार्लिंग आई एम ऑल्सो टेकिंग लोन्स एट दिस मोमेंट, आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू बाई गिविंग मनी, आई कैन टेल यू द वेज हाउ कैन यू अरेंज योर फंड्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू से नो व्हेन यू वांट टू से नो। इट डजंट मीन आई एम रिपीटिंग कि आपको हमेशा ना करना है। जब आप हां करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आप खुशी से कर जरूर कीजिए, लेकिन बाद में आपको ये ना रहे कि मैं ना नहीं कह पाया। तो जैसे क्या होता है, कई बार आपको प्रसाद दे देंगे लोग, तो मैं भाई साहब अभी खाना खा के आया हूं, प्रसाद में नहीं खा पाऊंगा, पैक कर दीजिए, अगली बार खाऊंगा तो तब मैं खा लूंगा, मैंने आपकी टिकट बुक करा दी, आपको आना ही पड़ेगा, मैं तो घोड़ी पे ही नहीं चढ़ूंगा शादी में नहीं आओगे तो। आप यकीन मानिए, आप लोगों को कह सकते हैं, वी रेस्पेक्ट योर फीलिंग, वी रियली लव योर अंडरस्टैंडिंग एंड लव फॉर अस, बट
आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ दिस 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 रीजन. अपना रीजन बताएं और ईमानदारी से बताएं. जैसे 365 दिन में 200 कार्ड मुझे इन्विटेशन आते हैं कि आपको शादी में आना है, तो मैं दो में एक आध में जा पाता हूं जो 7 बजे मुझे खाना खिला दे या घर के पास हो, क्योंकि मैं वहां दूर जाऊंगा 2.5 घंटे ट्रैफिक में आने के, 2.5 घंटे जाने के, आई नॉट ईट एनीथिंग, इट विल डिले माई स्लीप, आई एम सॉरी. वो अपने मन से प्यार से कह रहे हैं कि आप आइए, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्ते खराब कर लेता हूं, जाता नहीं हूं. तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो सपोज आपके बेटे की शादी है, मैं नहीं आ पाया, और मैं आपसे 2 हफ्ते बाद बात करूं कि सर मैं आपके घर आना चाहता हूं आपके पुत्र और पुत्रवधू से मिलने के लिए, मैं आ सकता हूं, तो कितने लोग आप में से कहेंगे कि नहीं आ सकते? तो लोग कहते हैं आइए, प्लीज आइए. अब उस दिन मेरे जैसा मेरे मन का खाना बनेगा, मैं मिर्चे नहीं खाता हूं, मेरे हिसाब से खाना बनेगा, मेरे तरीके से परोसा जाएगा. वी कैन स्पीक टू दैट यंग मैन एंड हिज स्वीट वाइफ, वी कैन मीट पेरेंट्स ऑल्सो, वी कैन डू ए वीडियो, वी कैन डू एनीथिंग एंड वी एंजॉय दैट, पीपल अप्रिशिएट दैट. बट मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट दे कैन नॉट से नो. चॉइस इज yours, यू कैन लर्न इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. तो मैंने आपको बताया कि आप ना कैसे कह सकते हैं, काफी लोग नहीं कह पाते हैं, आप उसको सीख सकते हैं. जो आज का सब्जेक्ट था, जो मैंने आपको बताया था, एक वर्ड है जो बहुत लोग बोलते हैं, काफी लेडीज भी बोलती हैं. तो ये 3-4 दिन पहले हम कहीं बात कर रहे थे, तो ये वर्ड सामने आया और मैं सब्जेक्ट वहीं से चुना. वी विल रीडिफाइन द वर्ड कंप्रोमाइज. तो मैंने काफी सारे एम्पावरिंग द लेडीज, एम्पावरिंग द वुमेन, और बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है लोगों के साथ. तो वहां पे लोग कहते हैं कि सर मैं तो बचपन से पहले, शादी से पहले भी कंप्रोमाइज कर रही थी, और अभी भी कंप्रोमाइज कर रही हूं शादी के बाद भी. लोग कहते हैं जब मैं नौकरी कर रहा था तब भी कंप्रोमाइज कर रहा था, जब मैं किसी के लिए काम करता था, अब मैं मालिक हूं तो भी कंप्रोमाइज कर रहा हूं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज नॉट ए कंप्रोमाइज, आई एम रीडिफाइनिंग इट. यू आर गिविंग स्पेस टू पीपल अगेंस्ट योर विल. आप स्पेस उतना दें जितना दे सकते हैं, जितना नहीं दे सकते, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू से नो स्मार्टली. यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एंड इट नीड्स ए बिलीव दैट इट इज पॉसिबल. आप ध्यान रखें, यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल. आप ध्यान रखें कि आपको दूसरों को सुनना है. इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कंप्रोमाइज मोड में हैं तो आप सुनेंगे नहीं, आप दूसरों को कह सकते हैं. तो आप पहले, जो मैंने कल बताया था कम्युनिकेशन में, पहले आप पूरा सुन लें, रेस्पेक्टफुली बोले क्या मैं अपनी बात कह सकता हूं या कह सकती हूं, तो सामने वाला चांसेस है कि आपको सुनेगा या सुनेगी. और फिर आप कहें कि मैं इतना ही कर पाऊंगा या इतना ही कर पाऊंगा, इसके अलावा मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, एंड दिस इज माई लिमिट. आप थोड़ा स्ट्रेच भी करेंगे तो कितना स्ट्रेच करेंगे? आप अगर 50 किलो वजन उठा सकते हैं तो 60 उठा लेंगे, 100 तो नहीं उठा सकते ना. सो यू डोंट नीड टू कंप्रोमाइज. यू हैव लर्नड इट फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर सोसाइटी, फ्रॉम योर एजुकेशन सिस्टम, एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ऑल. तो जो जो आपने बचपन से देखा सीखा, आपने कंप्रोमाइज करना सीख लिया. मैंने देखा है अक्सर औरतें, जो महिलाएं घर में भी काम करती हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं, या सिर्फ घर में काम करती हैं, तो जो बच गया वो खा लेते हैं कि अब छोड़ो क्या बनाऊंगी, इसी में खा लूंगी. वाई? आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप ही खाना नहीं खा रहे ठीक से. आपको सबसे पहले खाना खाना चाहिए. मैं कभी कभी खाना बनाता हूं, कभी साल में, कई साल में, तो मैं अपना खाना सबसे पहले सिक्योर करता हूं, और अगर कोई नहीं खा रहा मैं तो खा ही लेता हूं. तो आप ही ध्यान रखिए कि लाइफ में कंप्रोमाइज आप चुनते हैं. इफ यू वॉन्ट टू गिव स्पेस टू पीपल आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, आउट ऑफ होप, और व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस. एंड यू शुड नो द एक्सटेंट एंड यू कैन शेयर विद पीपल. आप लोगों को कह सकते हैं कि मेरी ये लिमिट है, इसके बाद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी. एंड इट हैज टू बी डन रेस्पेक्टफुली, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी साउंड. एंड यू कैन लिसन टू पीपल ऑल्सो कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आप भी कह सकते हैं, आपकी भी लिमिटेशन हो सकती है. सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द वर्ड कंप्रोमाइज. आई हैव रीडिफाइंड इट फॉर पीपल हु फील दैट दे आर रियली कंप्रोमाइजिंग इन देयर लाइफ. स्टिल इफ यू हैव ए क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, आई कैन कॉल यू बैक, यू डोंट वरी, वील टेक केयर. इसके अलावा आपको कंप्रोमाइज के अलावा, अगर कंप्रोमाइज से मिलता हुआ कोई वर्ड आपको लगता है आप मुझे शेयर करें, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू. अब आते हैं सेफ्टी टिप पर. तो बीइंग एन फायर फाइटर, फायर एक्सपर्ट, सेफ्टी एक्सपर्ट, बिकॉज इट्स माय पैशन, आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो मैं चाहता हूं कि मेरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो असुरक्षित महसूस करे. मतलब सुरक्षा होना, असुरक्षित ना होना तो बात की बात है, अंदर से उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूं. जैसा कि मैंने कल बताया था कि ऐसे कुछ हम बनाएंगे चीजें, गवर्नमेंट से बात करेंगे, जहां पे लिखा होगा कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें. यहां पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और लोगों को चलाने आते हैं, आप निश्चिंत रूप से रहें. जैसे मैंने कहीं पढ़ा था एक बार, आप इंद्रलोक में हैं, यहां पर अप्रसन्न रहना इंद्रलोक का अपमान है.
तो ये बड़ा अच्छा लगा सेंटेंस मुझे, ऐसे आप भी अपनी अपनी जगह पे लिख सकते हैं। तो अब तक हम घरों की बात कर रहे थे फायर सेफ्टी के, आज थोड़ा ऑफिस में चलते हैं जहां आप काम करने जाते हैं। तो मैं एक बुक लिख रहा हूं अनफायर, और अनफायर में मैं तीन चीजों को बताऊंगा। नंबर वन इक्विपमेंट्स, राइट इक्विपमेंट्स हैव टू बी देयर हमेशा। नंबर टू मेंटेनेंस, नंबर थ्री ट्रेनिंग। जब भी आग लगती है तो कभी भी आग बड़ी नहीं लगती, आग छोटी लगती है। अब सपोज आप और मैं किसी कमरे में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं कैबिन में बैठे हैं, वहां पे कुछ स्पार्क हुआ, आग लगी छोटी सी। अब वहां पे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है पास या थोड़ा सा दूर भी, वो हमें चलाने नहीं आता तो हम तो भाग जाएंगे। अब जो लोग चलाना जानते हैं, जब वो आए और उन्होंने उसको उठाया तो वो मेंटेन ही नहीं था। अब आपको पता है आग हर सेकंड बढ़ती है, हर सेकंड में, और थोड़ी सी बड़ी होने पर और तेजी से बढ़ती है। तो एक तो इक्विपमेंट नहीं लगा था, लगा था तो वो मेंटेन्ड नहीं था, मेंटेन्ड नहीं था और चलाना नहीं आ रहा था। ये तीनों चीज है तो फिर आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो लोग आग से नहीं मरते, लोग भागदौड़ और धुएं से मरते हैं। सो लेडीज जेंटलमैन, आपके जहां भी ऑफिस है आप ये चेक करें अपनी फैसिलिटी से। अगर आप ओनर हैं तो अपने स्पेशल किसी बंदे को जो फायर एक्सपर्ट है उससे बात करें, आपकी कंपनी में फायर ऑफिसर से उनको बताएं कि ये मेंटेन होनी चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमने स्पेशल एक मिशन चलाया है NFA, नो फायर एक्सीडेंट, इन विच वी गो टू बिल्डिंग्स, करंट बिल्डिंग्स। अक्सर नई बिल्डिंग में तो इक्विपमेंट लग रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग में आग ज्यादा लगती है। तो पुरानी बिल्डिंग में वी डू SGA, सेफ्टी गैप एनालिसिस, और उनको बताते हैं कहां कहां पर कमजोरी है, कहां गैप्स हैं, आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। So we are doing it all over India. If you have some buildings, current buildings, where you think we don't know system is working or not, system will work or not, people are trained or not, things are maintained, you can call us. Don't worry, you can drop a message. Our team will stay in touch with you after lockdown. Mind it. So अगर आपको लगता है कि ये video, ये talk, LOL, learnings of lockout आपको पसंद आ रही है, तो आपसे प्रार्थना है कि इसको आप लाइक करें, शेयर करें, आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ साझा करें, अपनी फैमिली के साथ देखें इसको। और जब मैं कल 7 बजे आऊंगा तो आप जैसे सब लोग यहां पर थे, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग यहां पर रहें, और लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे मैसेज हैं, अभी संजय जिंदल जी का मैसेज आया है, ये CCTV की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने लिखा है कि वी नीड योर SGA सर्विसेज, हम जरूर देंगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी। अगर किसी को CCTV का काम कराना है तो CCOM के नाम से इनका ब्रांड है, आप जुड़ सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं, मैं इनसे कनेक्ट कर सकता हूं। अभी यश धमीजा बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, ऑसम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रमोद पवार कह रहे हैं कि नोबल कॉज है, थैंक यू सर। फरमान अली बॉम्बे से जुड़े हैं, थैंक यू फरमान भाई। और इससे पहले जो लोग जुड़े हैं मैं उनका नाम आपको बता देता हूं, मनप्रीत सिंह ओब्राय, और कुछ लोग इसमें मुझे दिख नहीं रहे, किसी लोगों ने नमस्ते लिखा है, किसी ने इंस्पायरिंग लिखा है। थैंक यू सो मच लेडीज जेंटलमैन, कीप रॉकिंग, आप जहां हैं अच्छा है। एक बात सुन लीजिए, जब आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भगवान की मर्जी आपकी मर्जी से बहुत अच्छी होती है। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन गॉड, हैव ए वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर।